स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, हाइड्रेशन, डाइट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर इन चार चीज़ों पे आप फोकस करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ी रहेगी। हेल्दी डाइट है वो हर जगह काम करती है, वो आपके अंदर की, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप किसी भी डिजीज़ को फाइट करने के केपेबल हैं। अगर आप अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो इम्यूनिटी आपकी ठीक रहती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ओवरऑल आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और जिसके साथ आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, और आप कोविड हो या कुछ कोई भी अदर बीमारी हो, आप उससे बहुत अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई चीज़ें, नई नई बातें और नए नए सब्जेक्ट्स लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। आपको अपनी डाइट के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मिल सकते हैं डॉक्टर इंदु शर्मा से, जो कि लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं, डाइटिशियन हैं, योगा साइंटिस्ट भी हैं। अगर आप अपने लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं या डाइट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किस तरह का योगा करना चाहिए आपको किस प्रॉब्लम के लिए, तो आप मिल सकते हैं डॉक्टर इंदु शर्मा से, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो मैम। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर इंदु शर्मा। आई एम अ डाइटिशियन, अ योगा साइंटिस्ट एंड अ लाइफस्टाइल कंसल्टेंट। आई हेल्प पीपल फाइंड आउट द रूट कॉजेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। आज हम बात करेंगे कोरोना स्पेसिफिक डाइट। जैसा कि आप सुनते हैं, आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है हर जगह इंटरनेट पे कि कोई बीमारी आई नहीं कि उससे पहले उससे रिलेटेड डाइट, इम्यूनिटीज़ बढ़ाने के लिए डाइट, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये टी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सप्लीमेंट। तो ऐसा मैं एक मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू। आपको एक हेल्दी हैबिट बनानी है। हाँ, अगर आप अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो इम्यूनिटी आपकी ठीक रहती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। और इम्यूनिटी जो है होती क्या है, दैट इज आर कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, आर कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। और जिसकी वजह से हमें, अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो हमें डिजीजेस का, पैथोजेंस की एंट्री ज़्यादा होगी बॉडी में, अटैक ज़्यादा करेंगे। और अगर हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो हमें जो डिजीजेस कम अटैक करेंगे। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया और एक ही तरीका है वैक्सीनेशन, जो कि कोविड में सबने करवाई है। दैट इज़ दी ओनली वे टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन ही हमारी जो अंदर की इम्यूनिटी है बढ़ाती है, साथ साथ हम उसको सपोर्ट करते हैं विद हेल्दी डाइट। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक डाइट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो ऐसी कोई डाइट नहीं है। हाँ, हेल्दी डाइट है वो हर जगह काम करती है, वो आपके अंदर की, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप किसी भी डिजीज़ को फाइट करने के केपेबल हैं। और साथ में, जैसे कि WHO की गाइडलाइंस में कहा गया है कि अपार्ट फ्रॉम वेयरिंग मास्क एंड स्पेसिंग, फिजिकल स्पेसिंग जो हमने करनी है, उसके अलावा आपको स्लीप, हाइड्रेशन एंड हेल्दी डाइट पे फोकस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चार चीज़ें। स्लीप, WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से स्लीप, हाइड्रेशन, डाइट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर इन चार चीज़ों पे आप फोकस करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ी रहेगी। साथ साथ अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। अब हेल्दी डाइट, भले वो बच्चा हो, भले वो किसी भी एज का हो, एज डेमोग्राफिक कोई मायने नहीं रखता इसमें। हर एज में, एज कोई भी हो, आपको हेल्दी डाइट लेनी ही है। फिर से मैं रिपीट करूँगी, बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं। आप अपनी डाइट में जो है होल ग्रेन्स रखिए, ताकि आपको बी विटामिन्स मिले, फाइबर मिले, उसका बहुत बड़ा रोल है। ब्रेन डेवलपमेंट आपकी अच्छी होती है, आपकी कॉग्निशन इम्प्रूव होती है, तो ये आपका फाइबर के साथ आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, और उसके साथ आपका मूड अच्छा होता है, आपको सेशिएशन होती है लंबे समय तक। आपके जो हॉर्मोन्स हैं, हंगर हॉर्मोन और जो
आपका सेशिएशन का हार्मोन है, लेप्टिन हार्मोन, ये दोनों जो है वो उनकी मात्रा ठीक रहती है। तो आप जब लंबे समय, और साथ में प्रोटीन हाई रखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट से लेकर आप 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट तक आप ले सकते हैं। साथ में एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका जो प्रोटीन हो बॉडी में अच्छे से मसल बने, वो एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो। और साथ में आप अपनी स्लीप, 8 घंटे स्लीप रखिए ताकि आप रिकवर कर सकें। जो आप एक्सरसाइज में करते हैं उससे आप रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अडेप्ट करेंगे और आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको इम्यूनिटी बढ़ेगी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं। और हमारे पास अगर जैसे पोस्ट कोविड क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो उनको मैं सबसे पहले तो उनके स्ट्रेस लेवल्स देखते हैं कि उनका अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फर्स्ट थिंग एलिमेंट्री लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आई प्रोवाइड देम इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम उनको करवाते हैं, सम टेक्निक्स हैं, स्पेशलाइज टेक्निक्स हैं, दोज आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस एपिसोड, फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन करवाई जाती है, बट फिर उनको ये भी गाइड किया जाता है कि आप स्ट्रेस रिलीज करने के लिए नेचर वॉक कीजिए, आप लिसन टू अ म्यूज़िक, आप हमिंग कीजिए, हमिंग साउंड से आपको बहुत अच्छा मूड एलिवेट होता है। और साथ में आप यू कडल योर पार्टनर, आप अपने टॉक टू अ फ्रेंड, आप अपना पेट के साथ प्यार कीजिए। तो इस तरीके से इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, इमोशनल जो है वेलबींग, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और हेल्दी डाइट आप लेंगे, जो कि सबके लिए मैंने पहले भी रिपीट कर दिया है, प्रोसेस्ड फूड कम खाइए, ये फूड्स रिच इन माइक्रो एंड माइक्रो विटामिन्स, विटामिन सी वाले सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वैरायटी फ्रूट्स एंड वैरायटी वेजिटेबल्स खाइए, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और क्रूसीफर्स वेजिटेबल्स खाइए। या अपने डाइट में आप मिल्क लीजिए, एग्स लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं फिश लीजिए, लीन मीट पोल्ट्री, चिकन लीजिए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, और जिसके साथ आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, और आप कोविड हो या कुछ कोई भी अदर बीमारी हो, आप उससे बहुत अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। एज कोई भी हो, हर एज में हेल्दी डाइट का, रिच प्रोटीन डाइट का, होल ग्रेन्स का, स्लीप का, हाइड्रेशन का, उतना ही एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटी का उतना ही महत्व है। तो अगर फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपके बहुत सारे मिथ्स भी बस्ट हुए होंगे कि ये डाइट ना खाएं, इस डिजीज़ में ये डाइट ना खाएं, और आप मुझे फोकस टीवी चैनल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी अपनी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी डाइट के इशू को सॉल्व करने के लिए या अपने बेहतर लाइफस्टाइल को बनाने के लिए। आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें आपके सपोर्ट की हमेशा ही बहुत ज़रूरत रहेगी। थैंक यू। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।